नेताजी, जिला पंचायत चुनाव सामने हैं, सपा की क्या तैयारियां हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी लगभग सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतार रही है। आज बैठक थी, जो कमेटी थी उसमें ही हम आए थे और लगभग सभी सीटों पर प्रत्याशी पार्टी ने तय कर लिए हैं। और पार्टी, मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतेगी, क्योंकि आज का जो माहौल है उस माहौल में जनता उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले 4 और 4.5 साल में कोई विकास का काम नहीं किया। जो काम चल रहे थे विकास के, उनको भी जो है रोक दिया गया। नहीं, कई सीटों से सपा के दो कार्यकर्ता तैयारी कर रहे थे, वहाँ पे क्या होगा? ज्यादातर सीटों पे तो कैंडिडेट डिसाइड कर लिए, लेकिन कुछ सीटें हैं जिन पे 2 या 3 पार्टी के नेता लड़ रहे हैं, तो उन लोगों को उन क्षेत्रों में हमने फ्रेंडली फाइट के रूप में उनको लड़ने के लिए बोल दिया है। आपसी मतभेद खराब नहीं होंगे पार्टी में? नहीं, कोई मतभेद नहीं खराब होंगे। हम सबको अपना के रखते हैं, जो हारेगा वो भी हमारा, जो जीतेगा वो भी हमारा। चुनाव मैदान में किस उद्देश्य के साथ सामने आएंगे आप? हम पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के कामों को कैसे आप वो गिना रहे हैं, आप कैसे रोक पाएंगे? नहीं, उनके पास गिनाने के लिए कुछ है ही नहीं। 4 साल में मिसाल हो, 4 साल में कुछ ऐसा काम ही नहीं किया कि जो गिना सके। और समाजवादी पार्टी ने 2012 से लेकर के 17 तक जो सरकार थी, उस सरकार में जो काम किया वो आज भी लोग याद कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी के लोग जो है जिला पंचायत में आएंगे तो जिले का विकास होगा, जिले की तमाम समस्याओं का। 2022 का चुनाव या सेमीफाइनल माने इसके लिए, जिला पंचायत चुनाव के लिए? हाँ, बिल्कुल सही बात है। पब्लिक का रुझान है और पब्लिक, मैं समझता हूं कि जो रुझान देगी उसी से जो है समाजवादी पार्टी का जो है आने वाला चुनाव भी हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।